डियर सब्सक्राइबर्स एंड विजिटर्स, वेलकम टू चैनल द फैशन आर्ट एंड डिजाइनिंग। आज का इस वीडियो में हम जानेंगे प्लाजो का ड्राफ्टिंग। यहाँ पर हम प्लाजो का जो ड्राफ्टिंग समझेंगे, ओरिजिनल प्लाजो का ड्राफ्टिंग समझना है हमें। जो हमारा पिछला वीडियो में आपको समझाया था कि ये जो हमने ड्राफ्ट करके पेन स्टाइल प्लाजो का कटिंग आपको समझाया था कि डायरेक्ट यहाँ पर बढ़ा देते हैं तो पेन स्टाइल प्लाजो बन जाता है, इसे बैक पार्ट में और ये फ्रंट पार्ट में। तो सबसे पहले हमें जरूर रहता है नाप की। तो यहाँ पर पिछला वीडियो में हमने जो नाप लिया था पेंट स्टाइल प्लाजो में, ये वाला नाप था हमारा। तो यही पेंट का कटिंग किया था हमने यही नाप से, फिर वही नाप से हमने पेंट स्टाइल प्लाजो का ये ड्राफ्टिंग करके आपको समझाया था। तो प्लाजो हम दो तरीके से काट सकते हैं, पेंट स्टाइल प्लाजो, फिर हम आज के वीडियो में समझेंगे ओरिजिनल प्लाजो। और भी एक मेथड आती है डुप्लीकेट प्लाजो मेथड, वैसे कई सारी है हमारे पास, सब मेथड हम आपको शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम आज का जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिजिनल प्लाजो। तो यहाँ पर मैंने जो नाप लिख दिया है वही सेम टू सेम नाप आपको अपने बुक में लिख लेना है। सबसे पहले हमें चाहिए लेंथ, तो यहाँ पर मैंने लेंथ लिख दिया, जो मेरा मेजरमेंट का वीडियो था उसमें से ये लेंथ लिख दिया। उसके बाद है वेस्ट राउंड, यहाँ पर वेस्ट राउंड, ये वेस्ट राउंड लिख दिया जो ब्लैक अक्षर से जो भी लिखा है। और उसके बाद ये हिप राउंड 41.5 इंच, फिर थाई राउंड 24, फिर नी लेंथ। और नी राउंड की हमें इसमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्लाजो का जो कटिंग होगा वो यहाँ से डायरेक्ट ही इसका कोई नाप आएगा नहीं, इसलिए हमें ये नी लेंथ या फिर नी राउंड की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ दे रहे। और उसके बाद है डायरेक्ट मोरी, मोरी का जो नाप है यहाँ पर मोरी 4, ये जो प्लाजो का 28 जो नाप है वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि ये जो प्लाजो बनेगा उसमें 1.5 इंच का बेल्ट रहेगा और साइड जिप भी कंपलसरी रहेगा। अगर साइड जिप नहीं लगाना है और डायरेक्ट इलास्टिक वाला लगाना है तो प्लाजो को हमें लूज बनाना पड़ेगा, तो वो भी हम समझेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पर ये प्लाजो में हम बेल्ट इलास्टिक, पूरा इलास्टिक या पूरा बेल्ट, फिक्स बेल्ट भी हम बना सकते हैं। और पूरा इलास्टिक वाला चाहिए, बेल्ट फिक्स चाहिए या बेल्ट इलास्टिक चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें साइड जिप कंपलसरी चाहिए होगी। अगर आपको पूरा इलास्टिक वाला बनाना है और साइड जिप नहीं चाहिए तो हमें प्लाजो में लूजिंग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने रेड अक्षर से इसका जवाब बनाया है, सबसे पहले जो हमने पिछला वीडियो में या पेंट में जो आपको ड्राफ्टिंग में समझाया था कि इस तरह से हमने डिवाइड करना है और जवाब बना लेना है, तो यहाँ पर मैंने पहले जवाब बना के आपको समझा दे रहा हूँ। तो 38 वेस्ट राउंड है तो यहाँ पर उसका डिवाइड 4 कर दिया है तो 9.5 इंच जवाब आया है। तो यही सेम टू सेम जवाब आपको अपना मेजरमेंट जो भी रहेगा उस हिसाब से आपको भी खुद ये सब बनाना है। और हिप राउंड है उसका भी 4 भाग कर देना है, जो जवाब आएगा यहाँ पर वो लिख देना है। और उसके बाद थाई राउंड है तो थाई राउंड में 24 है तो यहाँ पर हमने 3 इंच लूजिंग लगाया है, जो बल्कि पिछला वीडियो में पेंट में हमने थाई राउंड में 2 इंच लूजिंग लगाया था, लेकिन प्लाजो में हमें 3 इंच लूजिंग लगाना है। तो यहाँ पर 27 जवाब आया, फिर उसका 4 भाग करके यहाँ पर आपको जवाब लिख देना है। 6.75 जो मेरा जवाब आया है वहाँ पर आपको अपना आंसर लिख देना है, फिर उसका यहाँ पर 2 हिस्सा भी यहाँ पर आपको लिख देना है। और उसके बाद डायरेक्ट मोरी का जो नाप है 28 मोरी का नाप है तो उसका भी 4 भाग करके 7 यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आपको भी अपना जवाब लिख देना है। फिर एक दूसरा उसका जो 28 है उसका आधा नाप भी आपको लिख के यहाँ पर रख देना है, बस इतना सा ही। और उसके बाद जो यहाँ पर आएगा क्रोच का मेजर, इसमें जो क्रोच का मेजर आएगा प्लाजो में, तो यहाँ पर देखिए, तो पेंट का जो क्रोच का मेजर था उसमें 4 हिस्सा किया था और प्लस नहीं किया था, डायरेक्ट ही हमारा जवाब था। यहाँ पर पेंट का वीडियो आप हमारा देखेंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे। तो उसमें डायरेक्ट 4 हिस्सा था, 10.37 यानी डायरेक्ट 10.5 इंच था, लेकिन यहाँ पर हमें क्रोच का जो मेजर आएगा, क्रोच मेजर यहाँ पर हमने आंसर लिखा है, इसमें नहीं लिखा है। तो क्रोच मेजर जो 41.5 हिप का नाप है, हिप राउंड 41.5 है, तो उसका 4 भाग कर दीजिए तो उसका जो जवाब आएगा 10.37, तो हमें उसमें फिर 1 इंच प्लस करना है। ध्यान दीजिएगा, ये प्लाजो में हमें 1 इंच प्लस करना है, तो जवाब आएगा उसका 11.37 यानी 11.5 हमें क्रोच का नाप लेना है।
तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डायरी की इसका फ्रंट पार्ट का मार्किंग करेंगे और उसके बाद बैक पार्ट का, तो उस तरह से हम डायरेक्ट अपना नाप शुरू करेंगे। तो तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल पे भी बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ साथ में हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लाजो का फ्रंट पार्ट का कटिंग के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।